हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोर्स पढ़नी। आज हम देखेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में। इससे पहले हमने देखा था लाइपोसोम क्या होता है, मिसेल क्या होता है। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या होते हैं? मेम्ब्रेन प्रोटीन हमने देखा था जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर थी उनमें क्या था, लिपिड की बायलेयर। इस तरीके से लिपिड्स की दो लेयर पाई जाती हैं और उनमें क्या होता है, प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। तो लिपिड की बाई लेयर होती है जो कि फ्लूइड नेचर होता है, और इसमें अगर हम देखेंगे तो प्रोटीन्स क्या होते हैं, मोजेक फॉर्म में होते हैं। यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स होते हैं वह क्या होते हैं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। या तो ये सरफेस पे हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे एम्बेडेड हो सकते हैं, या फिर यह लिपिड एंकर्ड हो सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। तो जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होता है वह क्या है, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, और यह जो लिपिड बायलेयर होती है उसे डायरेक्टली व इनडायरेक्टली रूप से क्या होता है, एसोसिएट होता है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है वह क्या करता है, इसके मोजेक पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हम देखेंगे कि जो प्रोटीन होता है वह क्या होगा, या तो फास्फोलिपिड से जुड़ा हुआ हो सकता है, या फिर इनमें एम्बेडेड हो सकता है, या फिर जो इंटरगल प्रोटीन्स होती हैं उनसे भी क्या होता है, जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है वह क्या होता है, अटैच हो सकता है। तो यह जो सभी जो प्रोटीन्स होती हैं वह इन सेल के फंक्शंस के लिए आवश्यक होती हैं। इनमें जो भी फंक्शंस होते हैं उनके लिए मेम्ब्रेन प्रोटीन ज़रूरी होता है। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होता है, किसी भी सेल और सेल या जो ऑर्गेनल्स हैं उनके मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन में अगर हम देखेंगे तो जो एनिमल सेल होता है उसका लगभग 30% जो प्रोटीन्स होता है वह क्या होता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। 30% जो प्रोटीन्स है वह मेम्ब्रेन प्रोटीन होगा, और जो सभी मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं उनमें आधे से अधिक प्रोटीन क्या होते हैं, मेम्ब्रेन से इंटरैक्ट करते हैं, और इनके विभिन्न प्रकार के जो फंक्शंस हैं उनके लिए यह मेम्ब्रेन प्रोटीन आवश्यक होती हैं। और यह जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनमें रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो जो भी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती है वह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी जो लिपिड बायलेयर है उनसे अलग अलग तरीक़ों से जुड़ी हुई हो सकती है, या तो यह सरफेस से अटैच हो सकती है, या फिर इनमें एम्बेडेड हो सकती है। तो इनका जो जुड़ने यानी जो अटैचमेंट होता है वह डिफरेंट टाइप का होता है, तो इसे हम आगे देखेंगे। मेम्ब्रेन प्रोटीन में अगर हम देखेंगे तो इनके क्या क्या फंक्शंस हैं, जिनसे क्या क्या फंक्शंस होती हैं तो वह सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है वह क्या करता है, कि जो साइटोस्केलेटन है उनके माइक्रोफिलामेंट से अटैच हो जाता है, और जो सेल की स्टेबिलिटी होती है उसे क्या करता है, इंश्योर करता है। इसी तरीके से सेकेंड हम देखते हैं कि जो सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं वह क्या करती हैं, सेल टू सेल आइडेंटिफाई करने और उन्हें एक दूसरे से इंटरेक्ट करना अलाउ करती है। थर्ड हम देखते हैं क्या होता है, मेम्ब्रेन एंजाइम। मेम्ब्रेन एंजाइम क्या है, एंजाइम यानी प्रोटीन ही है। तो जो मेम्ब्रेन एंजाइम होता है यह क्या करता है, जो सेल के फंक्शंस के लिए विभिन्न प्रकार के जो प्रोडक्ट पदार्थ होते हैं जो भी उनका प्रोडक्शन करता है इनके द्वारा ही होता है, जिससे जो सेल के फंक्शंस हैं वह प्रॉपर तरीके से हो जाएं। उसके बाद फोर्थ हम देखते हैं, फोर्थ क्या कहता है कि जो प्रोटीन रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होता है, प्रोटीन रिसेप्टर यानी जो रिसेप्टर प्रोटीन्स होता है यह क्या कहता है कि जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनकी एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट से क्या करता है, कनेक्शन का कार्य करता है। यानी एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है और जो इंटरनल इन्वायरमेंट है तो उनके मध्य कनेक्शन के लिए उनमें क्या होते हैं, रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि क्या है, प्रोटीन ही हैं। फिफ्थ हम देखेंगे कि जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन यह क्या करता है कि जो आयंस होती हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, उनके कॉन्सेंट्रेशन के मेंटेनेंस के लिए क्या होती हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसी तरीके से जो भी इनमें न्यूट्रिएंट्स होती है उनके ट्रांसपोर्टिंग का कार्य किसके द्वारा होता है, प्रोटीन्स के द्वारा ही होता है।
इसके बाद यह सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यह क्या करती है, कुछ जो सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही ट्रांसपोर्ट करेगी, यानी कि जो सेल के फंक्शंस के लिए आवश्यक है उन्हें यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती है, एक ट्रांसपोर्टर के रूप में काम करती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उनमें प्रोटीन्स और जो लिपिड बायलेयर होती है दोनों ही अलग अलग कार्य करती हैं। तो जो प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन कहती हैं। तो यह विभिन्न प्रकार के जो भी सेल में जो फंक्शंस हैं उनके लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। इनके द्वारा ही क्या होता है, सेल टू सेल इंटरेक्शन आइडेंटिफाई होता है, जो सेल की स्टेबिलिटी होती है उसे इंश्योर करती है, और जो भी सेल फंक्शंस के लिए जो भी पदार्थ होते हैं उनका प्रोडक्शन भी करती है, रिसेप्टर के रूप में या रिसेप्टर के रूप में जो भी एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट है उनमें एक कनेक्शन बनाती है। इसी तरीके से जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होगा वह क्या करेगा, आयंस के जो कॉन्सेंट्रेशन है उसे मेंटेन करेगा, और जो भी न्यूट्रिएंट्स होती हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करती है। और यह सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो सिलेक्टिव यानी जो सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें ही ट्रांसपोर्ट करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो भी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं उनके फंक्शंस के बाद हम अगर देखेंगे कि यह कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, तो इन्हें 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट होता है पेरिफेरल प्रोटीन जिसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कहते हैं। सेकेंड होता है इंटेग्रल प्रोटीन। थर्ड हम देखते हैं लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। तो जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो भी प्रोटीन्स होती है उनका अटैच किस टाइप से होता है, तो उनके आधार पर ही इन्हें 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले क्या होता है, पेरिफेरल प्रोटीन्स, इंटेग्रल प्रोटीन एंड लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। तो हमने देखा था कि जो सिंगर एंड निकोलसन जो साइंटिस्ट थे इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, जिनमें इन्होंने केवल जो भी पेरिफेरल प्रोटीन्स थी और जो इंटेग्रल प्रोटीन्स थी इनके बारे में ही बताया था। जो थर्ड प्रोटीन है लिपिड एंकर्ड प्रोटीन, इनके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो इसमें जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, इंटरगल प्रोटीन्स हैं, और इसके अलावा भी इनमें एक और प्रोटीन्स होती है, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स कहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि यह प्रोटीन्स किस तरीके से अटैच होते हैं। तो यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बायलेयर होती है, जिसमें जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती है वह क्या होती है, सरफेस से अटैच होती है। जैसे यह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस है आउटर और इनर, तो जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होंगी वह क्या होंगी, सरफेस से ही अटैच होंगी। इस तरीके से यह इसके जो अंदर जो लिपिड बायलेयर होती है इसमें एम्बेडेड नहीं होती है, एम्बेडेड यानी इनमें धंसी हुई नहीं होती है, और यह क्या होती है, नॉन कोवेलेंटली इंट्रैक्शन के द्वारा इनसे क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती है। इसमें हम देखेंगे कि जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होता है वह या तो इस फॉस्फोलिपिड यानी लिपिड बायलेयर की जो फॉस्फोलिपिड्स है उससे अटैच होगा, या फिर इनमें जो इंटरगल प्रोटीन्स हो सकती हैं उनसे अटैच हो सकता है, या नॉन कोवेलेंटली रूप से क्या होता है, एसोसिएटेड होता है। पेरिफेरल प्रोटीन्स में हम देखेंगे तो इसका पोर्शन कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, इसका जो हाइड्रोफोबिक रीजन है उससे कोई कनेक्शन नहीं है, इनमें किसी भी तरीके से यह एम्बेडेड नहीं होता है, और जो भी इनकी यानी जो इनका भाग क्या होगा, जो लिपिड बायलेयर है, तो इसका हेड वाला पोर्शन क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। तो यह भी क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होता है। इसके बाद सेकेंड हम देखते हैं क्या होता है, इंटरगल प्रोटीन, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं। तो यह ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होती है, इस तरीके से जो लिपिड बायलेयर होती है उसे पूरी तरीके से क्रॉस किए होती है, यह पूरी तरीके से इनमें एम्बेडेड होती है। इसमें हम देखेंगे कि इसका एक पोर्शन क्या होता है, बाहर की ओर होता है, जो क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, एक पोर्शन इनर की ओर होगा, यह भी हाइड्रोफिलिक होगा, और जो मीडियल वाला पोर्शन होता है वह क्या होता है, यहाँ जो हाइड्रोफोबिक रीजन होती है उनमें होता है, तो यह क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है।
इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी कहते हैं, या सिंगल पास इंटरगल प्रोटीन हो सकती है, या मल्टीपल पास इंटरगल प्रोटीन्स हो सकती है। इसके बाद अगर हम थर्ड देखेंगे कि लिपिड एंकर्ड प्रोटीन क्या होता है, तो जो लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स होता है, लिपिड नाम से ही स्पष्ट है कि इनमें कौन एंकर कर रहा है, लिपिड। तो लिपिड मॉलिक्यूल्स के द्वारा प्रोटीन इनमें जुड़ा हुआ होता है। इनमें जो प्रोटीन्स होंगी वह सरफेस से तो होंगी, लेकिन डायरेक्टली इनका लिपिड बायलेयर से कोई एसोसिएशन नहीं होता है। यहाँ पे एक लिपिड मॉलिक्यूल्स जो होंगे वह इस तरीके से एम्बेडेड होंगे, और यह लिपिड मॉलिक्यूल्स ही हुक के समान इस जो प्रोटीन्स होंगी उसे होल्ड किए हुए होंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन कहते हैं, जिनका डायरेक्टली जो भी फास्फोलिपिड जो यानी जो लिपिड बायलेयर है उनसे कोई एसोसिएशन नहीं होगा, या लिपिड जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके थ्रू यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं, एसोसिएट होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स कहते हैं। तो इसे हम आगे डिटेल में एक एक करके देखेंगे कि यह जो प्रोटीन्स है वह किस तरीके से होती हैं, और इनमें यानी जो इनके फंक्शंस हैं वह क्या क्या होते हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं उनमें हमने देखा कि 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया। तो इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट देखेंगे पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन, तो इससे पहले हमने थोड़ा सा देखा इसके बारे में। तो पेरिफेरल प्रोटीन्स क्या होता है कि जो लिपिड बाइलेयर होगी उनकी सरफेस से क्या होगा, अटैच होगा। तो जैसे यह लिपिड की बाइलेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो इसमें जो भी सरफेस है उसे यह प्रोटीन्स क्या होता है, इस तरीके से एसोसिएट होता है। इसमें हम कह सकते हैं ये तो यहाँ पे एसोसिएट हो सकता है, या फिर जो इनमें इंटरगल प्रोटीन्स होती हैं उससे भी इस तरीके से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होता है वह क्या होता है कि यह जो आउटर सरफेस होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, आउटर सरफेस है, और जो इनर सरफेस है दोनों में यह प्रेजेंट होती हैं। और यह कैसे जुड़ी हुई हैं, नॉन कोवेलेंटली रूप से जुड़ी हुई होती हैं। नॉन कोवेलेंटली इंट्रैक्शन इनके बीच पाया जाता है, जिनसे यह फास्फोलिपिड्स जो लिपिड की बाइलेयर है उसे एसोसिएट हो सकते हैं, या फिर जो भी प्रोटीन्स उनमें प्रेजेंट हैं उनसे यह एसोसिएट हो सकते हैं। यह क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होगा, क्योंकि यह किससे जुड़ा हुआ है, लिपिड बायलेयर की हाइड्रोफिलिक जो हेड होती है उनसे जुड़ा हुआ होता है। तो यह भी क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। तो पेरिफेरल प्रोटीन्स में हम देखेंगे तो क्या ये क्या होते हैं, नॉन कोवेलेंटली इंट्रैक्शन द्वारा जुड़ते हैं। तो नॉन कोवेलेंटली इंट्रैक्शन में क्या क्या हो सकता है, जैसे हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, वॉन्डरवॉल्स इंट्रैक्शन, उसके बाद होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और फिर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो नॉन कोवेलेंटी इंट्रैक्शन में क्या होता है कि जो ऐसे बॉन्ड जिनमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होती हैं वह शेयरिंग नहीं होती है। और यह क्या होता है, जो ज़्यादातर किस में पाया जाता है, यह माइक्रो मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है। जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स जैसे कि क्या हो गए, लिपिड में हो गए, तो इनमें यह पाया जाता है। और यह क्या होता है, जो कोवेलेंटली बॉन्ड होती हैं उससे क्या होता है, वीक होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं वह अस्थायी रूप से इनमें क्या होती हैं, एसोसिएट होती हैं। जो भी जो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन हो सकता है, या फिर वॉन्डरवॉल्स, या हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन। तो यह जो भी प्रोटीन्स होती है वह क्या होती है, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन का यूज़ कर यह जो फास्फोलिपिड बायलेयर होती है उनसे एसोसिएट हो सकती है। इस तरीके से यह नॉन कोवेलेंट्री इंट्रैक्शन के द्वारा क्या हुई है, जुड़ी हुई है, और जो इनके मध्य बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। इसमें पेरिफेरल जो प्रोटीन्स होती है उसमें अगर हम देखेंगे तो यह हमेशा क्या होंगी, यानी यह डिसोसिएट हो सकती हैं यदि इनका जो कंसंट्रेशन है वह चेंज, यानी यहाँ इसका जो पीएच है वह चेंज कर दिया जाए, तो यह क्या होंगी, डिसोसिएट हो जाएंगे। इनके मध्य का जो बॉन्ड होगा वह ब्रेक हो जाएगा, और पीएच चेंज करने पर यह क्या हो सकती हैं, अलग हो सकती हैं, डिसोसिएट हो सकती हैं।
पेरिफेरल जो प्रोटीन्स होती है तो उसमें हम देखेंगे पेरिफेरल प्रोटीन क्या होता है। यह जो भी जैविक रूप से एक्टिव जो एमिनो एसिड्स का बना हुआ जैविक रूप से एक्टिव मॉलिक्यूल्स का एक ग्रुप होता है जो विभिन्न फंक्शंस करती है। और इसमें हम देखेंगे कि जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती है वह जो इस लिपिड बायलेयर है इनके जो हाइड्रोफोबिक रीजन कौन सा होगा ये वाला, तो इनमें प्रवेश नहीं करती है, यह किसी भी तरीके से इनमें एम्बेडेड नहीं होती है। और जो भी मेम्ब्रेन की लिपिड बैरियर होती है उनसे सरफेस से यह क्या होगी इंट्रैक्ट करेगी। तो जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती है उनके फंक्शंस के बारे में हम देखेंगे तो यह क्या करता है कि जो भी पदार्थ होती हैं उन्हें सेल के अंदर या बाहर ले जाने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो भी प्रोटीन्स होती हैं या एंजाइम होंगी उन्हें प्रोटीन्स या एंजाइम होंगी तो उन्हें एक्टिव करने की प्रोसेस में भी क्या होगा इन्वॉल्व होगा। इसके अलावा जो सेल टू सेल इंट्रैक्शन होती है उनमें भी यह कार्य करते हैं। और जो सपोर्ट होता है कम्युनिकेशन होता है और जो भी सपोर्ट है कम्युनिकेशन है और जो भी ट्रांसपोर्ट का काम है यह सभी पेरिफेरल प्रोटीन्स के द्वारा किया जाता है। इसमें हम देखेंगे कि जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती है तो इनमें जो एमिनो एसिड्स होती हैं उनमें हाइड्रोफोबिक रीजन नहीं होता है क्योंकि यह क्या होती हैं जो भी लिपिड बायलेयर होती है उनके जो हाइड्रोफोबिक रीजन होती है उनमें प्रवेश नहीं करती हैं किसी भी तरीके से इनमें एम्बेडेड नहीं होती हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स आउटर एंड इनर दोनों सरफेस पर पाया जाता है और यह जो यानी कि जो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होता है वह एक क्या बोल सकते हैं हम उसे यूनिक एम्फीपैथिक प्रोटीन्स होती है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन या हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रैक्शन के द्वारा इनडायरेक्टली रूप से क्या होंगे मेम्ब्रेन से अटैच होती हैं। इसे हम क्या कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती है उनमें फर्स्ट था पेरिफेरल प्रोटीन्स। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स होती हैं या जो इंटरग्रल प्रोटीन्स होती हैं वह किस प्रकार की होती है और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। इसकी जो PDF है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।